सो दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि YouTube अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ नया अपडेट लाते रहता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा अपडेट आता है जिससे सुनने के बाद सच में दिल खुश हो जाता है। दोस्तों कभी कभी YouTube ऐसा अपडेट निकाल देता है जिससे सुनने के बाद सच में जो YouTube पर नए क्रिएटर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो आज मैं आपको दो ऐसे अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे सुनने के बाद सच में आपको ऐसा ही लगेगा कि YouTube ऐसे अपडेट ना निकाले तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें। दोस्तों फर्स्ट अपडेट है न्यू टू यू। दोस्तों YouTube ने कुछ दिन पहले ही ये अपडेट निकाला था और यहाँ पर ये बताया था कि जब भी कोई अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन करेगा तो वहाँ पर न्यू टू यू का ऑप्शन दिखाई देगा, और वहाँ पर जैसे ही कोई व्यूअर क्लिक करेगा तो वहाँ पर जो नए नए क्रिएटर हैं जिनके 1000 सब्सक्राइबर या फिर 500 से कम सब्सक्राइबर हैं और उनकी वीडियो पर 10, 20, 50 या फिर 100 व्यूज आते हैं, तो उनकी वीडियो को मैं इस ऑप्शन पर रिकमेंड करूँगा और यहाँ पर जो नए नए क्रिएटर हैं मैं उनको प्रमोट करूँगा, जिससे बहुत ही जल्दी से वो भी ग्रो हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस ऑप्शन में कभी भी किसी भी नए क्रिएटर का आज तक कोई भी वीडियो नहीं आया है। दोस्तों मैं अपने फ़ोन में यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर ले रहा हूं और ओपन करने के बाद यहां पर न्यू टू यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिनके मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं और लाखों में व्यूज आते हैं उन्हीं के वीडियो को यहां पर यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है। दोस्तों मैं नीचे भी स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूं, दोस्तों यहां पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो नए क्रिएटर का है जिनके 10, 20, 50 या फिर 100 व्यूज आते हैं। ऐसा कोई भी वीडियो YouTube इस ऑप्शन पे रिकमेंड नहीं कर रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि YouTube जो नए क्रिएटर हैं उनके साथ धोखा कर रहा है या फिर नहीं? दोस्तों नीचे कमेंट में जरूर बताना कि इस ऑप्शन पे नए क्रिएटर के वीडियो आने चाहिए या फिर नहीं आने चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों सेकेंड अपडेट है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। दोस्तों यूट्यूब ने कुछ दिन पहले ही ये अपडेट निकाल दिया है जहाँ पर YouTube ने ये बोला है कि अगर आपके चैनल पर कोई भी YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक्टिव होगी तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दोस्तों आप ही बताइए, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं और आपको किसी भी पॉलिसी के बारे में नहीं पता है और वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी तरीके से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर का वॉच टाइम कंप्लीट कर दिए हैं और इसके बाद में आपकी एक गलती की वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों यहाँ पर YouTube ने बहुत ही गंदा अपडेट निकाला है खास करके न्यू क्रिएटर के लिए कि अगर आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होगी तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दोस्तों आप ही बताइए आपके लिए ये अपडेट कितना सही है और कितना गलत। दोस्तों अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में और कुछ जानना है तो मैं ऊपर आई बटन में या फिर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वहां पर मैंने फुल वीडियो बना के डाल दी है कि आप कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से कैसे बच सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना और नीचे कमेंट में बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी और अगली किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय बाय।